बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद किरण। आज मैं आपके लिए चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑयल और फ्लेम हमने ऑन कर दी है और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। अब ऑयल तकरीबन गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और चम्मच हम इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि सारे प्याज का कलर सेम आए। प्याज हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटा हुआ अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। अब इसको भी हम प्याज के साथ ब्राउन करेंगे। अब मैं एक टिप आपको बताती चलूँ कि अगर आपको चावलों का रंग डार्क रखना है तो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके आपने प्याज का रंग डार्क रखना है। अगर आपको पुलाव का कलर लाइट रखना है तो यहाँ पर आपने प्याज का कलर लाइट रखना है। तो मैं चावलों का कलर थोड़ा सा डार्क रखूँगी तो इसलिए मैं प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन करूँगी। अब प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी और इसको कवर करके रख देंगे। तो अब हम कवर हटा देते हैं और ये आप देख लें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालने से प्याज भी सॉफ्ट हो गया है और अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। प्याज को आपने डार्क ब्राउन करना है लेकिन इसको आपने जलाना नहीं है। अगर आपसे जल गया तो फिर इसका जायका जो है वो कड़वा होगा। तो अब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इनको मैं कवर करके रख दूंगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम टमाटरों को चेक करते हैं और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम उल्टे चम्मच की मदद से ऐसे मैश करेंगे, इस तरह से दबा दबा के इनको हम मैश कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये आप देख लें। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पत्ते, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 8 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायचियाँ। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूंगी। 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल जावत्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। इससे हमारे पुलाव की खुशबू बहुत ही अच्छी होगी। अब इन सब स्पाइसेस को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटी हुई मिर्चें 2 अदद। स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने 2 कप और अब इनको हम टमाटरों के साथ अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम पे रखी हुई है। अब चने मैंने अच्छे से भून लिए हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी पानी। तो अब पानी मैं कितना ऐड करूंगी मैं वो भी आपको बताती हूँ। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो मैं 4 कप इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। 1, 2, 3, 4। तो अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर करके इसमें हम बॉईल आने देंगे। अब हम इसको चेक करते हैं, पानी में बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप चावल। ये मैंने 2 कप चावल लिए, इनको मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया था और अब चावल हमारे अच्छे से भीग चुके हैं। अब ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। चावलों को आपने 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रखना है। भिगो के रखने से चावल हमारे बहुत ही अच्छे और खिले खिले बनते हैं। तो अब इनको मिक्स कर देते हैं और कवर करके हम रख देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। तो अब हम चावलों को चेक करते हैं और इनको मिक्स करते हैं। अब चावलों में से आधा पानी खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पर आके हम इसमें नमक चेक करेंगे। थोड़ा सा नमक मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। पानी में आप अगर नमक तेज़ रखेंगे तो वो चावलों में बराबर होगा। अगर आप पानी में ही बराबर रखेंगे तो फिर चावल तैयार होकर बहुत ही फीके बनेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 2 साबुत हरी मिर्चें। अब पैन के नीचे एक मोटा सा तवा मैंने रख दिया है ताकि चावल हमारे नीचे से लगे नहीं। अब पहले 5 मिनट हम हाई फ्लेम पर तवे को गर्म होने देंगे और जब तवा गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम हम लो पे कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम चावलों को दम देंगे
ताकि चावल हमारे अच्छे से गल जाएं। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट के बाद। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और चावलों को दम अच्छे से लग चुका है। अब हम लिड हटा के चेक कर देते हैं। वाओ, और ये आप देख लें कितने ज़बरदस्त और खिले खिले हमारे चावल बने हैं। व्यूअर्स, अब चावलों को दम अच्छे से लग चुका है और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का चना पुलाव रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।